हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बार्टन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही लाजवाब सा मटन यखनी पुलाव। तो पुलाव की जब बात आती है तो कई बार ऐसा होता है कि पुलाव इतना बढ़िया रेसिपी है कि उसके आगे बिरयानी भी फेल लगती है, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, अगर पुलाव बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया जाए। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी 1 किलो मटन का पूरा परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ किस तरीके से बनाया जाता है मटन यखनी पुलाव। साथ साथ एक स्पेशल मसाला बनाएंगे जो यखनी पुलाव में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरी रेसिपी देखिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए प्रेशर कुकर में हम ले रहे हैं 8 कप पानी। तो यखनी तैयार करेंगे, सबसे पहला स्टेप यखनी पुलाव बनाने का यही है कि हम यखनी को तैयार करके रख लें, जिसके लिए हमें चाहिए 8 कप पानी। मैं ले रही हूँ, देख सकते हैं आप, मेजरिंग कप मैंने यही इस्तेमाल करा है थ्रू आउट द रेसिपी। इसके अंदर अब हम डालेंगे ये 1 किलो मटन लिया है मैंने यहाँ पर, मीडियम साइज़ के पीसेस हैं, अच्छे से धोकर इसको तैयार कर लिया है। और ये मटन के पीसेस हम डाल देंगे जो पानी हमने लिया है उसमें। अब इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, 2 से 3 इंच का ये अदरक का कुटा हुआ पीस, साथ साथ 5 से 6 ये लहसुन की कटलियाँ जिन्हें कूट लेंगे हल्का सा और उसको भी डाल देते हैं। उसके अलावा इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 4 बड़ी इलायची, थोड़े से ये मैंने लिए हैं जावित्री, और हल्का सा छोटा सा पीस डालेंगे इसमें जायफल का, 8 से 10 लौंग, ये 7-8 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 तेज पत्ता, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1-2 स्टार अनीस यानी कि बदिया के फूल, 2 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं जीरा, शाही जीरा, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ खुशबू के लिए सौंफ पाउडर, अगर आपके पास साबुत सौंफ है तो सौंफ डाल सकते हैं आप। और उसके अलावा इसमें डाल दिया है मैंने नमक, नमक अच्छी क्वांटिटी में हमें डालना है ताकि जो हम स्टॉक यानी कि जो यखनी प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छी नमकीन हो, क्योंकि इसमें हम बाद में चावल उबालने वाले हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं और बस प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे, मीट को कम से कम 4-5 सीटी तक उबालेंगे इसको, या जब तक मटन नहीं पक जाता तब तक। अब एक पैन ले लिया है जिसमें मसाला प्रिपेयर करेंगे, जिसमें मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 ये बड़ी इलायची, 4-5 हरी इलायची, 6-7 ये लौंग, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 8 से 10 मैंने यहाँ पर लिए हैं ये होल रेड चिली यानी कि साबुत लाल मिर्चें, 1 टीस्पून साबुत धनिया। और अब इन सब मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम, कलर नहीं बदलने देंगे इसका, बस हल्का सा इसको भून लेंगे और उसके बाद एक ब्लेंडर जार में इसको डाल के हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये मसाला जो है ये असली टेस्ट देता है इस पुलाव में, मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरीके से। तो चेक कर लेते हैं पहले मटन, तो ये बढ़िया सी खुशबू आ रही, क्योंकि सारे गरम मसालों के साथ जब यखनी को पकाया जाता है तो पूरा घर खुशबू से भर जाता है, अगर आप लोग पुलाव बनाते हैं तो जानते होंगे इस बात को। अब चेक करते हैं मटन को, ये देखिए मटन बिल्कुल अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो गया है, तो मटन बिल्कुल रेडी है। तो यखनी को अलग कर लेते हैं अब इस तरीके से छानकर, तो ये यखनी इस्तेमाल करेंगे बाद में चावलों के लिए, और पीसेस को अलग कर लेंगे जो साबुत हमने खड़े मसाले का इस्तेमाल करा है उससे, और जो जो हमारे साबुत मसाले हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। आप चाहें तो लहसुन अदरक का इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं। अब 1 कप पूरा ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं, इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। और ये है बासमती राइस, 4.5 कप राइस लिए हैं, ये वाले कप का ही इस्तेमाल करा है जैसे मैंने पहले बताया। 4.5 कप बासमती राइस को अब हम भिगो के रख देंगे सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, जब तक सब चीज़ें पका रहे हैं तब तक। और ये दरदरा सा जो मसाला है ये कूट कर हमने पीस कर तैयार कर लिया है, आप चाहें तो कूट लें या ब्लेंडर में हल्का सा चला लें, दरदरा रहना चाहिए मसाला। अब गरम जो तेल हुआ है उसमें 3 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज को हमें अच्छा ब्राउन करना है, तो पहले प्याज ब्राउन करेंगे। ध्यान रखना है प्याज बहुत एक्सेस ब्राउन ना होने पाए और बहुत कम भी ना रह जाए प्याज ब्राउन, तो बहुत ही केयरफुल सा आपको इस टाइम रहना है, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही क्रूशल है प्याज ब्राउन करने का, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस प्याज से पुलाव में।
तो जैसे ही हमारी प्याज ब्राउन होने लग गई है, आधी प्याज को मैं निकाल लूँगी और आधी प्याज का हम इस्तेमाल करेंगे पुलाव में। बाकी की जो प्याज है वो हम आगे इस्तेमाल करेंगे, दिखाऊंगी आपको किस तरीके से। तो इसको निकाल लेते हैं सेपरेट प्लेट में, और जो बची हुई प्याज है इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसा मैंने पहले बताया कि जो हमने यखनी बनाई है उसमें जो अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करा हुआ है वो आप चाहे तो इस टाइम पे वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, वही डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बड़ा अच्छा हो जाता है वो यखनी में पकने के बाद। लेकिन बिल्कुल मेरा सौगी हो गया था लहसुन, इसलिए मैं पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस पेस्ट के साथ हल्का सा इसको भून लिया है, और अब इसमें डाल देंगे जो मटन के पीसेज हैं वो, और अच्छे से इनको भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक और प्याज में ये पीसेज एक तरीके से बंध जाएं। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू इस टाइम आती है क्योंकि यखनी तैयार करी हुई है, साथ साथ लहसुन अदरक में मटन के पीसेस को भून रहे हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्चें जिसको बीच में से काट रखा है, और साथ साथ मटन को भूनते भी जा रहे हैं मीडियम फ्लेम पर। तो जो हमने मसाला प्रिपेयर करा था अब वो भी डाल देंगे और उसके साथ भूनेंगे इसको। तो ये जो पुलाव अक्सर हम बनाते हैं, अक्सर हम मसाले का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे कि पुलाव में हल्का सा चटपटापन जो होता है, जो मसाला चाहिए होता है उसकी कमी से पुलाव बहुत ब्लैंड लगता है। हमने लाल मिर्चों का जो इस्तेमाल करा और जो दरदरा कूटा है, दरदरा पीसा है मसाले को, उससे बढ़िया टेस्ट आएगा क्योंकि उसमें साबुत लाल मिर्चें हैं दरदरी पीसी हुई, तो वो बहुत ही अच्छा मसालेदार कर देगा इन पीसेस को। पुलाव का बिल्कुल रंगत, बिल्कुल टेस्ट बदल जाएगा इस तरीके से आप बना के देखेंगे। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिए दही, 150 ग्राम के आसपास ये कुछ दही है, और इसके साथ अच्छे से भून लेंगे जब तक कि बिल्कुल दही पक नहीं जाती और तेल अच्छे से उभरने नहीं लगता इसमें से। फ्लेम इस टाइम मीडियम ही रखेंगे हम और दही के साथ इसको भून लेंगे। और ये देखिए थोड़ी देर में दही बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है और बिल्कुल तेल दिखाई दे रहा है। तो अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने भिगो के रखे थे। थ्रू आउट द प्रोसेस प्याज ब्राउन करने में, मसाला भूनने में 15-20 मिनट तक हमारे चावल भी अच्छे भीग गए। बहुत ज़्यादा भिगाने नहीं है चावलों को, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर तक भिगा देते हैं चावल तो बहुत नरम हो जाते हैं पुलाव में और खिले खिले नहीं बनकर आते। तो 15-20 मिनट के आसपास इनफ है चावल भिगोना। और बस ये चावल भिगो के 2 मिनट इसको भून लें, और उसके बाद जो यखनी तैयार करी है वो पूरी यखनी एज इट इज़ आपको इसमें डालनी है। तो हमने 8 कप जो लिए थी उसको अच्छे से प्रेशर कुक करा, और उसके बाद जितनी भी अब बची हुई हमारे पास यखनी है, जितना भी स्टॉक है बचा हुआ, वो हम पूरा डालेंगे इसमें। और अब हम टाइम है, इस टाइम पे चेक कर सकते हैं नमक भी। अगर नमक सही लगे तो बिल्कुल ऐड ना करें, लेकिन अगर नमक कम लगे आपको तो नमक ऐड करें इस टाइम पे। और उसके बाद इसको पकने देना है जब तक इसमें इस तरीके से उबाल ना आने लग जाए। जैसे इसमें उबाल आने लग जाए, ये जो यखनी है कम होने लग जाए क्वांटिटी में, तब हम इसको ढक्कन ढक के पकाएंगे। तो इसमें अच्छा उबाल आने लग गया, आप देख सकते हैं। अब इस टाइम पे हम इसको ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे करीब 12 से 15 मिनट तक के लिए। तो ये 12-15 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पका लिया है, और देख सकते हैं आप हल्का हल्का सा पानी अभी इसमें है। तो इस टाइम पे मैंने इसमें ढक्कन हटा लिया है। इसी तरीके से आपको भी करना है, जब बिल्कुल आखिरी स्टेज आ जाए, हल्का सा पानी रह जाए, तब उस टाइम पे इसमें दही में मैंने ये रंग को मिला रखा है। थोड़ी सी दही लें, 1-2 चम्मच उसके अंदर रंग मिला लें। अगर आप रंग नहीं भी डालना चाहते तो बिल्कुल ऑप्शनल है ये, ना डालें आप ये रंग को, लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा सा पुलाव में थोड़ा सा कलर ऐड करना बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से रंग को दही में मिलाने से रंग जो है वो फैलता नहीं है चारों तरफ, और इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है मैंने रंग को। तो ये एडिबल फूड कलर जो बिरयानी का मिलता है, जर्दे का मिलता है, वही इस्तेमाल करें आप अच्छी क्वालिटी का। और उसके बाद इसमें ये ब्राउन की हुई प्याज ऊपर से डाल देंगे। अभी भी मैंने थोड़ी सी प्याज बचा ली है जो मैं सर्विंग के टाइम पर इस्तेमाल करूँगी। और बस आखिरी में इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर। मेरे पास ये डाइल्यूटेड केवड़ा वाटर है, इसलिए मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास एसेंस है तो कुछ ड्रॉप्स ही डालें, वरना बहुत ही कड़वाहट आ जाएगी चावलों में। और साथ साथ इसमें डालेंगे हम 2-3 टेबलस्पून देसी घी, एक्स्ट्रा फ्लेवर, एक्स्ट्रा टेस्ट, और साथ साथ बढ़िया सी एक्स्ट्रा खुशबू ऐड करने के लिए।
वैसे तो हमने केवड़ा डाला ही है, तो अगर आप नहीं डालना चाहते ये देसी घी तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं ये स्टेप। बस अब बिल्कुल धीमी आंच करके इसको ढक्कन ढक के 5-7 मिनट तक हम इसी तरीके से छोड़ देंगे, जिससे चावल भी बिल्कुल बढ़िया खिल जाएंगे और साथ साथ अच्छा सा जो फ्लेवर जो हमने चीज़ें डाली हैं उसकी खुशबू बिल्कुल इन्फ्यूज़ हो जाएगी इन चावलों में। तो मैंने 7-8 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था और उसके बाद ढका हुआ छोड़ दिया इसको 5-7 मिनट और अब चेक करते हैं। ये बढ़िया सा पुलाव हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है, जिसे मैं अब करती हूँ सर्व और दिखाती हूँ आपको कि कितने बढ़िया चावल बनते हैं साथ साथ एकदम सॉफ्ट मटन। तो ये देखिए एकदम बढ़िया पका हुआ मटन साथ साथ एकदम खिले हुए चावल, थोड़ा सा कलर ऐड करने से रंगत बहुत बढ़िया लगती है पुलाव की। तो भाई शेफ़ होने का एक फ़ायदा सबसे बड़ा तो यही है कि गर्मा गर्म चीज़ें खाने को मिलती हैं और टेस्ट करने को मिलती है। तो मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, अब फटाफट से सर्व कर रही हूँ मैं ये डिलिशियस सा मटन पुलाव और टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि किस तरीके का बना ये। तो है ना लाजवाब, मेरे तो मुंह में देख के ही पानी आ रहा है, आई एम श्योर आप लोगों के मुंह में भी बहुत पानी आ रहा होगा। मैं लेती हूँ इसकी पहली बाइट और देखने से ही आई एम श्योर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का बना हुआ, एकदम चमकदार से चावल रहते हैं, इतना ही प्रोपोर्शन होना चाहिए इसमें घी का, साथ साथ खिले हुए रहने चाहिए चावल और इस तरीके से ऊपर गार्निश कर दें आप इसको जो प्याज ब्राउन की है वो, और साथ साथ सलाद के साथ रायते के साथ पुलाव का कॉम्बिनेशन ही अलग है। चटनी बनाने की रेसिपी भी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, टमाटर और लहसुन की चटनी के साथ इसको एंजॉय करें तो जायका भूले नहीं भुला पाएंगे। इस तरीके का बनता है ये मटन पुलाव, ट्राई कीजिए ये रेसिपी, आई एम श्योर आपको देखने में भी पसंद आई होगी और शायद जब आप ट्राई करें तो ऐसा पुलाव आप बार बार सबको बनाकर खिलाएं, यही आशा करती हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक बनाइए खाइए और एंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।